भाई सुबह सुबह जो है ना मेरी कंप्रेशन थेरेपी हो रही है, मुझे दोनों पिलोज के बीच में दबा के मोहम्मद अहमद मेरे ऊपर बैठ के जो है ना नाच रहा है, समझ रहे आप लोग, ये होती है कंप्रेशन थेरेपी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मोहम्मद अहमद को कुछ खाना है, क्या खाना है भाई? दबाम खाना है आपको? दबाम नहीं होता भाई, बादाम होता है। आप क्या कर रहे हो? झाड़ू लगा रहे हो। अच्छा झाड़ू लगा रहे हो, आंटी की छुट्टी है। अच्छा अच्छा आंटी की छुट्टी है तो आज ये झाड़ू लगा रहा है। यार आप लोग मतलब सुस्ती चेक करें, कल रात को मैंने एयरपोर्ट पे होना है ठीक है जी, और अभी तक मैंने बैग ही नहीं निकाल के रखा है कि हम कुछ पैकिंग शैकिंग करें। बेगम आपको थोड़ी हेल्प करानी पड़ेगी, वरना यकीन करें मैं तो कल रात को 1 बजे लेके बैठूंगा मुझे लगता है। असल में मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आया कि आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं। ये देखिए बेगम ने हल्के में ले लिया, बेगम को जरा टिकट दिखानी पड़ेगी मुझे लगता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, मजे में? यार मतलब आज जो है ना आपके भाई को इतनी सुस्ती हो रही है, कोई बेड से उठने का दिल ही नहीं चाह रहा, लेकिन यार बस पैकिंग भी करनी है तो पैकिंग में भी लगते हैं और खड़े होते हैं, तैयार होते हैं, शावर लेते हैं। और आज जो है ना हमारे घर में किचन की छुट्टी है, मतलब बेगम आज चिल मार रही है। बेगम लंच में क्या सीन है ये बताएं? एक बहन के घर बिरयानी की दावत है। आए, और रात में क्या सीन है? शाम में दूसरी बहन के घर दावत है। आए, 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 यार मतलब आज दावतें ही दावतें निपटानी है। आज हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा कल से मोहम्मद अहमद पता है क्या करके घूम रहा है, ये देखें मोहम्मद अहमद अपना हाथ दिखाओ, ये देखें भाई एक हाथ में ये घड़ी पहनी हुई मोहम्मद अहमद ने, ठीक है जी, और दूसरा हाथ दिखाओ, वाह भाई वाह, दूसरे हाथ के अंदर जो है ना ये घड़ी पहन के घूम रहा है, ये देखें भाई दोनों हाथों के अंदर घड़ी चल रही है मतलब। तो भाई आपके भाई के पास पता है कितने कपड़े हैं? ये देखें, ये एक ट्रैक सूट, ये दूसरा, और ये सिर्फ अपर है, ये सिर्फ अपर है, ये सिर्फ अपर है, बाकी फिर ये चौथा ट्रैक सूट, पांचवा ट्रैक सूट और ये छठा ट्रैक सूट। जहां पे मैं जा रहा हूं ना वहां पे ट्रैक सूट कोई काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे -2 -3 ये टेम्परेचर चल रहा है, तो वहां पे जाके ऐसे मोटे वाले जैकेट खरीदने पड़ेंगे। Hours later. बहन के घर से कॉल आ गई कि बिरयानी को दम पे रख दिया, बस आ जाओ। तो देखें भाई शाम के 4 बज गए, बिरयानी बनते बनते अब चलते हैं। अब्दुल कबीर चलो ना, आ जाओ, चलो चलो। अब्दुल कबीर ने तो पहले ही कुछ ना कुछ खाना शुरू कर दिया। क्या खा रहे हो आप? एप्पल। तो आपके भाई ने जो है ना ये वाली घड़ी पहन ली है। एक्चुअली कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया कि ये घड़ी मैंने क्यों ली है। यार कराची के हालात के हिसाब से जो है ना मतलब यही सही है कि थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली घड़ी हो, अल्लाह ना करे छिन भिन भी जाए ना तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि रात को हम लोग अक्सर साइकिलिंग वाइकलिंग करते हैं ना, उसमें एप्पल वॉच पहनते हुए डर लगता है। खुल जा भाई खुल जा। आज अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, क्या खिला रही हो? बिरयानी। फाइनली वेट इज ओवर। आए हाय 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 भाई, गर्मा गर्म बिरयानी आ गई है, धुएं निकल रहे हैं इसके अंदर और बच्चों के शोर की भी आवाज आ रही होगी आपको। और बिरयानी आज पता है किस चीज की है, ये देखें। आए हाय हाय प्रॉन बिरयानी भाई, मतलब कल भी हमने प्रॉन बिरयानी खाई थी और आज घर की बनी हुई प्रॉन बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई कल जो बाहर बिरयानी खाई थी ना प्रॉन बिरयानी, उससे बेस्ट बनी है यार, ये बहुत जबरदस्त। आमना आपके फ्रिज की दावत मिल गई, अब अगले मिशन पे चलते हैं। और अगले मिशन के लिए देखें अलीशबा तो माशाल्लाह तैयार भी हो गई है यार। आपका भाई जो है ना दूसरे मिशन पे जाने से पहले वॉक करने के लिए आ गया है भाई, क्योंकि बिरयानी इतनी टाइट खा ली थी हमने, मैंने ना थोड़ी सी कैलोरीज बर्न करते हैं, इसके बाद दूसरे सेटअप में आपको लेके चलते हैं। तो अभी तक कितनी कैलोरीज बर्न हुई है? 90 कैलोरीज भाई, तकरीबन 200-250 बर्न करनी है। आपका भाई वॉक करके आ गया है और देखें गूगल बाबा जी क्या कहते हैं। गूगल बाबा जी कहते हैं कि अगर आपने एक मीडियम साइज की बिरयानी की प्लेट निपटा दी ना तो 271 कैलोरीज तकरीबन आपने जो है ना गेन कर ली, ठीक है। और यहाँ भाईजान रिपोर्ट चेक करें, आपके 281 कैलोरीज हमने उड़ा दी। आज आपका भाई खुशी खुशी डीजल डलवाने के लिए आया, क्योंकि सुना है डीजल के अंदर 13-14 रुपए और कम हो गए भाई, 277 रुपए हो गया। चेक करें कितने रुपए गए डीजल पे, और कितने रुपए कम हो, 13 रुपए। आप लोग दुआ करें कि ये 277 से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके सिर्फ 70 रुपए पे आ जाए। तो आज के दिन का दूसरा सीन क्या है भाई? दूसरा सीन ये है कि अभी घर वालों को लेने के लिए जा रहा हूँ और आज मेरी दूसरी वाली भांजी मतलब दूसरी वाली बहन की बेटियां जो वीडियो में नहीं आती उनकी सालगिरह है, तो बस वो केक शेक काटना है, थोड़ा सा शुगर उगल है बस। मोहम्मद अहमद आप कहाँ जा रहे हो? बर्थडे जा रहा हूँ। अच्छा आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा अब सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए ये है कि यहाँ पे हमें पार्किंग मिल जाए, क्योंकि यहाँ पार्किंग ही नहीं मिलती। मोहम्मद अहमद को अंदर ले जाने से पहले जो है ना इसके गाल पे हम एक बड़ा सा जो है ना काला सा टीका लगा देंगे, ठीक है ना? सही हो गया यार, ये ले बेगम, थैंक यू सो मच, आपका काजल काम आया। चलें जी भाई गाड़ी बंद करते हैं और चलते हैं अंदर। अरे
अरे मोहम्मद अहमद आज क्या लेके आया अपने हाथ में? वाह भाई वाह, साइकिल लेके आया है। अरे वाह भाई वाह, आयशा के बाल देखे आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो नया स्टाइल है भाई। पीछे भी एक पोनी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और अब जो है ना, मैं आप लोगों को केक दिखाता हूँ। ये केक हमने वहीं से बनवाया है जहाँ से हमने अलिशबा की बर्थडे के अंदर सेटअप किया था। ये चेक करें, आए हाय। अच्छा, दोनों बहनों की जो है ना इत्तेफाक की बात है, दोनों बहनें सेम डेट के अंदर ही पैदा हुई थी, सही है? तो उनकी डेट सेम है। ज़ैनब टर्न्स 3, मरियम टर्न्स 2, और ये केक बनवाया हमने ट्विस्टल्स बाय घानिया से। अच्छा, दोनों बहनें ट्विंस नहीं है लेकिन फिर भी सेम डेट में पैदा हुई है, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। और इफ्रा भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? ठीक हो? चले जी, अब जो है ना आपका भाई कैंडल जला रहा है, सही है? ये जल गई और ये भी। गर्मा गर्म पिज्जा आ गया है भाई। अलिशबा को कैमरे की आंख ने कैप्चर कर लिया पिज्जा निपटाते हुए, ये देखें। हाय हाय हाय, ये एक और पिज्जा आ गया भाई। आपका भाई जो है ना सिर्फ एक निवाला लेगा, ये जो कोने वाला है ना, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई पार्टी शार्टी हो गई है, बेहतरीन केक था, बेहतरीन पिज्जा था। अब हम लोग निकल गए हैं अब्दुल कबीर की स्कूल में। किस चीज की पार्टी है कल? असेसमेंट कंप्लीट हुआ है। अच्छा ओके, एग्जाम कंप्लीट होने की भी पार्टी होती है यार, हमने तो कभी मतलब ईद मिलन पार्टी के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। तो क्या मंगवाया है इसको? पिज्जा। ओके, मिनी पिज्जा मंगवाया है, तो यार किसी बेकरी पे जाके लेते हैं, 6 लेने ना। जी 6। ओके अब्दुल कबीर, एग्जाम हो गए कम्प्लीट आपके? कल फुल पार्टी करने वाले हो, VIP सेटअप। अच्छा, बेगम को लॉन्ड्री बास्केट भी लेना था तो वो हमें यहीं से मिल जाएगा, बादराबाद से। ओके, ये भी सारी लॉन्ड्री बास्केट है, सही है बेगम? ये चलेगी लॉन्ड्री बास्केट? नहीं। इसके अंदर एक ही कपड़ा आएगा यार। जानी ये दिखने में तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें तो हमारे बच्चे छुपन छुपाई खेलेंगे। बेगम आप देखें, आप आइकिया की चीजें अगर आप यहाँ पे कराची में ढूंढेंगी तो ये खुला तेजाद नहीं है यार। मतलब ओके, आपकी तरफ से डन है, ठीक है भाई, ये पसंद आ गई बेगम को। हाँ, इसके अंदर स्टैंड है, हाँ ये फोल्ड हो सकती है, ये भी फोल्ड हो जाएगी लेकिन ये बहुत नरम नरम है, अगर आपको समझ आ रही है तो बस ये ले लेते हैं। ये ना बेगम पकड़े। मैं लॉन्ड्री बास्केट जैसे ही लेके आया ना गाड़ी में वापसी, तो अब्दुल कबीर मुझे बोलता है, पापा कट्टी आप मुझे लेके नहीं गए ना शॉप पे, चलो आ जाओ पिज्जा लेने के लिए, हम दोनों चलते हैं साथ, अब मम्मा को लेके नहीं जाएंगे। बेकरी वाले ने बोला, रुको जरा सबर करो, मतलब अभी से पिज्जा क्यों ले रहे हो भाई, सुबह 7 बजे बेकरी खुल जाती है, ताजे ताजे पिज्जा बनते हैं, उसी वक्त ले जाना। तो मैंने बोला यार बात तो सही कह रहा है बिल्कुल, तो अब आपसे मिलते हैं, व्लॉग को एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं सुबह सुबह जब अब्दुल कबीर को हम स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहे होंगे। और हाँ, कल अपने बैग जरूर पैक कर लीजिएगा क्योंकि कल हम आपको अपने साथ इंटरनेशनल ट्रिप पे भी लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, फिर मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।